जिला टास्क फोर्स की कलेक्टर चैंबर में हुई बैठक, चतरा विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां, मच्छर जनित रोगों मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए उठाए जाएंगे कदम। आज की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक थी, जो वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आज बैठक हुई थी और 17 विभागों के लोग इसमें शामिल हुए थे और एक रणनीति बनी है कि जो मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, खासतौर से मलेरिया और डेंगू को किस तरह से नियंत्रित किया जाए। इस संबंध में श्रीमान कलेक्टर साहब के निर्देशन में आज ये बैठक हुई थी और निर्देश जारी हुए हैं। इसके बचाव के लिए दो बहुत अच्छे तरीके बताए गए हैं। आज की मीटिंग में भी ये निकल के आया कि जो 7 दिवस में प्रत्येक एक हफ्ते में पानी बदलाव का करें, जैसे कूलर के अंदर पानी भर गया है, गमले के टायर के आसपास जो पानी इकट्ठा है उसमें, और आपके घर के आसपास जैसे गड्ढे हैं तो वहाँ पर सरसों का तेल डाल दें, जिससे कि वहाँ के जो लार्वा है वो पनप नहीं पाएगा और वहाँ पर वो शांत हो जाएगा। तो उससे ये फ़ायदा निकलेगा कि लार्वा जब उसका विकसित नहीं हो पाएगा तो वो डेंगू के लिए पर्याप्त उसको वातावरण नहीं मिलेगा और वो मृत्यु को हो जाएगा। तो उस कारण से हमारे ये रोकथाम का बहुत अच्छा तरीका है।